अगर आप जीमेल, गूगल ड्राइव और गूगल फोटो जैसे अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आपको बता दें, एक जानकारी के मुताबिक गूगल इन अकाउंट्स को बंद करने जा रही है। गूगल 1 जून 2021 से एक नई पॉलिसी लागू करने जा रहा है, इसके बाद से आपका जीमेल अकाउंट, गूगल ड्राइव और गूगल फोटो बंद हो सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, गूगल बहुत जल्द आपका जीमेल अकाउंट को बंद कर सकती है और गूगल इसके लिए अपनी तैयारी भी पूरी कर चुकी है। यदि आपको जीमेल के अलावा गूगल ड्राइव, गूगल फोटो जैसी सुविधाओं को आगे भी इस्तेमाल करना है तो आपको गूगल की नई पॉलिसी के अनुसार अपने अकाउंट को यूज करना होगा। अगर आप गूगल की नई पॉलिसी के तहत जीमेल, गूगल ड्राइव और गूगल फोटो का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इन सभी को 1 जून 2021 के बाद से बंद कर दिए जाएंगे। तो आइए जानते हैं गूगल की इस नई पॉलिसी के बारे में। गूगल ने 1 जून 2021 से नई पॉलिसी लागू करने का फैसला किया है। इस पॉलिसी के अनुसार यदि यूजर्स का जीमेल, गूगल ड्राइव और गूगल फोटो अकाउंट 2 साल से इनएक्टिव है, यानी कि अगर आप इन सब अकाउंट का 2 साल से ज़्यादा प्रयोग नहीं करते हैं तो गूगल इन सभी अकाउंट्स पर से आपका कंटेंट हटा देगी और आपके अकाउंट को बंद कर देगी। यदि आपको अपने जीमेल, गूगल ड्राइव और गूगल फोटो अकाउंट्स को आगे इस्तेमाल करना है तो आपको इन अकाउंट पर अपनी एक्टिविटी बढ़ानी होगी, जिससे आपके सभी अकाउंट्स गूगल की इस नई पॉलिसी के दायरे के बाहर रहेंगे और इससे आपका अकाउंट भी बंद नहीं होगा। गूगल के अनुसार अगर आपका अकाउंट 2 साल से ज़्यादा पुराना है और अपनी स्टोरेज लिमिट से ज़्यादा है तो गूगल आपके कंटेंट जीमेल, गूगल ड्राइव और गूगल फोटो के फोल्डर से हटा सकती है और आपके अकाउंट को भी डिलीट कर सकती है। वहीं पर गूगल ने साफ किया कि कंटेंट हटाने से पहले इसकी सूचना आपको दी जाएगी। ऐसे में अपने अकाउंट को एक्टिव रखने का सबसे आसान तरीका यह है कि जब भी आप साइन इन करें या इंटरनेट पर कोई भी काम करें तो समय समय पर अपने जीमेल, गूगल ड्राइव और गूगल फोटो पर जाकर इन अकाउंट्स को ओपन करके चेक करते रहें। इससे आपका अकाउंट एक्टिव रहेगा और अकाउंट बंद होने से और कंटेंट डिलीट होने से बचा रहेगा। इसके अलावा इनएक्टिव अकाउंट्स मैनेजर भी आपके विशेष कंटेंट को मैनेज करने में मदद करता है। गूगल की नई पॉलिसी के अनुसार गूगल आपको 15 GB डेटा फ्री में जीमेल, गूगल ड्राइव और गूगल फोटो के लिए देता है। अगर आप 15 GB डेटा की सीमा को पार कर जाते हैं, आपको स्टोरेज की ज़रूरत होती है तो गूगल से कम 100 GB स्टोरेज की सुविधा लेनी होगी, जिसका चार्ज प्रति महीना 130 रुपये और 1300 रुपये साल में चुकाना होगा। अगर कोई यूजर्स 200 GB स्टोरेज का प्लान लेते हैं तो उन्हें 210 रुपये प्रति महीना चार्ज देना होगा और वहीं पर 2 TB स्टोरेज के लिए यूजर्स को 650 रुपये और 10 TB स्टोरेज के लिए 3250 रुपये महीने भर का चार्ज देना होगा। यहाँ हम आपको बता देते हैं, 1 TB में 10 से 24 GB होता है, तो अगर आपका काम अगर 15 GB से नहीं चलता है तो आप इनमें से किसी एक प्लान को चूज करके आप अपने गूगल ड्राइव और फोटो के स्टोरेज क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं एक और अगले वीडियो में। धन्यवाद।